हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। हमारी एक व्यूअर है और इन्होंने कमेंट करके सवाल पूछा है हमसे, हालांकि मैंने इनको बताया, कमेंट में ही मैंने इनको बताया, रिप्लाई किया कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा है कि मेरा ऑप्टेन मार्क्स का जूम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, बट वाई, क्यों नहीं आ रहा है, ये पूछ रही है। और इनका नाम है सहनाज प्रवीण। तो आइए समझते हैं कि क्या ऐसी दिक्कत है। ऐसी वैसी कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन इस पर क्लिक करते हैं ब्लैंक डेटाबेस पे। आइए एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये आएगा, क्या गलती आप करते होंगे शायद। मुझे तो पता नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। 2007 पे भी काम करने का तरीका यही है, ठीक है। यहां से आप व्यू पे चले जाइए, व्यू पे गए, टेबल बना रहा है, नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, फिलहाल छोड़ देता हूं क्योंकि आज का टॉपिक दूसरा है। ये आ गए, यहाँ पे डिजाइन व्यू में हम मौजूद हैं। प्राइमरी की आपको दिखी रही है, ऑटो नंबर मैंने ले रखा है इसमें। यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। अब इसमें किसी का नेम ले सकते हैं हम, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये आ जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट, नेम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ चीजों की, जैसे ये जो नेम ले रखा है मैंने, इसे मैं चाहिए तो प्रोडक्ट नेम कर सकता हूँ या फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट यानी इसमें प्रोडक्ट का नाम आएगा, ठीक है, और ये शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा है फिलहाल मैंने। और यहां पर इसकी प्राइस ले लेता हूं, प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो क्या होगी वो यहां पे ले लेता हूं। और इसे बना दूंगा करेंसी डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप बनाऊंगा? करेंसी डेटा टाइप, ठीक है। और यहां पर यूनिट कर लेता हूं, यूनिट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यूनिट करने के बाद यहां पर क्या करते हैं, यहां पर कर देते हैं हम नंबर, ठीक है। और चूंकि हमको डेसिमल में भी चीजें एंटर करनी है, तो इसके लिए यहां पे ये लॉन्ग इंटीजर को आप बना दीजिए डबल, तो ये डेसिमल भी सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये डेसिमल नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहां पर टोटल करना है हमको, तो यहां पर तो टोटल यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से आप चाहे तो टोटल कर सकते हैं, यहां पर देखिए कैलकुलेटेड मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है 2007 यूज करने वालों के साथ, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां पे नंबर डेटा टाइप लेके या करेंसी डेटा टाइप लेके आपको समझाता हूं कि क्वेरी कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये करेंसी डेटा टाइप ले लिया हमने और बस इस पे क्लिक कर दीजिए, व्यू पे ये क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पहला प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए शुगर ले लेता हूं मैं, और किलो के भाव से बेच देते हैं, तो ये हो गया। और शुगर मान लीजिए 40 रुपए किलो है, ठीक है। और मान लीजिए ऐसे ऐसे 50 किलो चीनी खरीदी गई, फिर इसी तरह से यहां आते हैं, यहां पर लिख देता हूं पल्स, PULSE, पल्स मान लीजिए 100 रुपए किलो है, ठीक है, ये 100 लिख दिया 100। और मान लीजिए पल्स जो है 5 किलो खरीदी गई, ठीक है, इसी दोनों को हम ले लेते हैं केवल, ठीक है। और भी नीचे डेटा ले सकते हैं आप। क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी बना लेते हैं। तो सीधा सीधा क्वेरी पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे। ये क्वेरी डिजाइन पे आ गया और टेबल आपको दिखी रही है, ये हमारी टेबल है, ठीक है। ऐड करवा लीजिए इसमें, ऐड करवाने के बाद जो भी चीजें आपको चाहिए उनको ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए और टोटल चाहिए, बाकी आईडी की जरूरत नहीं हमें अभी। यहां पर जाने के बाद इनका जो जूम वाला ऑप्शन है नहीं आ रहा है, चलिए देखते हैं। यहां पर आप डायरेक्टली जूम वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, यहां पर राइट क्लिक करिएगा तो ये जूम दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ना, यहां पे जूम आ रहा है ना, ठीक है। तो इस जूम पे क्लिक कर दीजिए, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, अब आई होप कि आ गया हो, ठीक है। तो यहां पे अब फॉन्ट पे क्लिक करता हूं, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। तो ये देखिए, आप चाहे तो फॉन्ट का हिसाब किताब भी चेंज कर सकते हैं और यहां पे साइज भी बढ़ा सकते हैं, तो साइज फिलहाल बढ़ाता हूं। ये साइज मैंने बढ़ा ली, ओके कर दिया यहां से, तो देखिए थोड़ी सी साइज बढ़ गई इसकी, ठीक है, आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यहां पर आएंगे और यहां पर क्या करेंगे, प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से। तो बस आप यहां पर जाइए, यहां लिखिए प्राइस, ये लिख दिया प्राइस, और मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से। तो यहां पर लिख दीजिए UNIT यूनिट, तो प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, बस आपका काम हो जाएगा। और यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहां पे देखिए अपने आप ये जो है कैलकुलेट करके दे रहा है। देखिए शुगर लिया था हमने तो शुगर का भी आ रहा है, और दूसरा देखते हैं और क्या लिया था, पल्स लिया हुआ है। तो यहां से अभी हम टैप करके नीचे आएंगे तब यहां पर आपका टोटल आपको दिखने लगेगा। यहां पे अभी टोटल दिख नहीं रहा है, तो आप रिफ्रेश पर क्लिक कर दीजिए, टोटल दिखने लगेगा। तो यहां पे देखिए टोटल भी नजर आ रहा है, तो जूम यहां से आता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जूम कहां से आ रहा था, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।